हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं एक दो कलर का डिज़ाइन बना कर लाई हूँ। ये डिज़ाइन को आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं और दो कलर में भी बना सकते हैं। बनाना बहुत इजी है। एक कोई भी कलर अगर आपके पास ज़्यादा हो तो उसको हम बेस कलर बनाएंगे और बाकी मल्टी कलर, जगह जगह पे मल्टी कलर हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को आप लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर और दो कलर में जेंट्स का भी स्वेटर आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक अनुरोध है आप लोगों से कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये डिज़ाइन जो है ये तीन तीन फंदों का बना हुआ है। तो हम तीन के मल्टीपल फंदे लिए हैं, 18 फंदे, और दो फंदे हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो हमारे पास यहाँ 20 फंदे हैं। तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले हम कोई भी अपना बॉर्डर बनाएंगे और बॉर्डर बनाने के बाद एक सिलाई पीछे से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम आगे आ जाएंगे सीधी तरफ, और सीधी तरफ में आने के बाद हम अपना कलर चेंज करेंगे। सीधी तरफ से देखिए मैंने कलर दूसरा लगा लिया है। अब हम दूसरे कलर से डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहले फंदे को, एक फंदा को सीधा बना लेंगे। ये हमारा एज स्टिच है, इसको या तो आप स्लिप कर लें या तो आप बुन लें इसको। और उसके बाद पूरी सिलाई को हम इस कलर से सीधा सीधा बना लेंगे। कलर चेंज करके एक सिलाई हमें पूरा सीधा सीधा बनाना है। इस कलर से हम सारे फंदे को सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए पूरी लाइन सीधा बनाने के बाद इसमें उल्टी तरफ से डिजाइन डालेंगे हम। तो अभी सीधा बना ले पहले। देखिए एक लाइन कंप्लीट हो गया दूसरे कलर से। अब हम बैक साइड से इसको बनाएंगे। बैक साइड से क्या करेंगे कि पहले एक फंदे को स्लिप कर लेंगे। एक फंदा स्लिप करने के बाद तीन फंदे लेंगे। तीन फंदे को पीछे तरफ से, तीनों में तीन फंदे को एक साथ उल्टा उल्टा बुनते हुए तीन फंदा बनाएंगे। देखिए एक एक फंदा बन गया। फिर इस पर ऊन लपेटेंगे, या तो आप ऊन को ऐसे लपेटिए या इसको आप पीछे भी ले जा सकते हैं ऐसे। और फिर इस तीन फंदे में से ही एक फंदा बनाएंगे। देखिए तीन फंदा हो गया हमारे पास। अब इस तीन फंदे को गिरा देंगे। फिर तीन फंदे को ऊन अपनी तरफ ही रखेंगे। फिर तीन फंदे को तीन फंदा बनाएंगे। एक ऐसे भी ऊन कर सकते हैं और ये तीन। देखिए तीन फंदा हो गया। इस तरह से सारे तीन तीन फंदे को हमें तीन तीन फंदा बनाते जाना है। एक बार उल्टा बनाया, ऊन को लपेट लिया सलाई पे, अब फिर एक फंदा बना लिया। तीन फंदा हो गया, फिर एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा। तीन फंदे को फिर एक ऊन लपेटेंगे और एक दो, तीन हो गया। फिर तीन फंदे को एक ऊन को लपेटा और फिर एक बार बनाया तीन। फिर तीन फंदे हैं, एक दो तीन। तीन फंदे को फिर तीन फंदा बनाएंगे, तीन।
गिरा देंगे और लास्ट का ये एक फंदा है ये उल्टा बना लेंगे। दो सिलाई बुनने के बाद डिजाइन ऐसा बनेगा। अब फिर हमारा यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, एक सिलाई एक फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब ये तीन फंदे हैं, तीन फंदा को भी सीधा बना लेंगे। एक दो तीन, चार फंदे सीधे हो गए। अब देखिए ये जो बीच का जगह दिख रहा है इसमें दो धागा छोड़ेंगे, एक और ये दो, दो धागा छोड़ के यहाँ पे सिलाई डालेंगे और ऊन को एक दो दो बार लपेट कर बुन लेंगे इसको। फिर इस तीन फंदे को सीधा बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदा बुनने के बाद फिर ये जगह आ गया, दो धागा छोड़ेंगे। जो सेकेंड कलर का धागा लगाया है, ग्रे कलर का जो धागा लगाया है, ये दो धागे दिख रहे हैं, एक दो, दोनों को छोड़कर सिलाई डालेंगे और दो बार ऊन लपेट कर सीधा बना लेंगे। फिर इस तीन फंदे को सीधा बनाएंगे, एक दो तीन, फिर इनके नीचे सिलाई डालेंगे और दो बार लपेट कर बुन लेंगे। फिर तीन फंदे को सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, फिर यहाँ से दो बार धागा लपेट कर सीधा बुन लेंगे। फिर इस तीन फंदे को सीधा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन, फिर यहाँ से धागा, देखिए ये दो धागा खुद दिख रहा है, इसके नीचे से दो बार ऊन लपेट कर सीधा बना लेंगे। फिर इस तीन फंदे को सीधा बना लेंगे, एक दो तीन और लास्ट का जो है ये भी सीधा। देखिए अभी इस तरह से बना। अब हम इसको बैक साइड से बनाएंगे। एक फंदे को स्लिप कर लेंगे और जो तीन फंदा बनाया है इस तीन फंदे को उल्टा उल्टा बना लेंगे, एक दो तीन, और ये जो लपेटा हुआ धागा है इसको खोल लेंगे। फिर तीन फंदे को उल्टा बना लेंगे, एक दो तीन, फिर इस लपेटे फंदे को खोल देंगे। फिर तीन फंदे को सीधा बनाएंगे, तीन इसको खोल लेंगे। फिर तीन फंदे को सीधा बनाएंगे, दो तीन इसको खोल देंगे। इसी तरह से हमें तीन फंदे को बुनना है और जो लपेटा फंदा है उसको खोल लेना है। फिर तीन फंदे को सीधा बनाना है, दो तीन, और लास्ट का एक फंदा है ये भी उल्टा बनाएंगे। देखिए अभी डिजाइन इतना तैयार हुआ है। अब यहाँ से आने के बाद हमारा कलर फिर चेंज हो जाएगा। हर दो दो सिलाई के बाद कलर चेंज होते जाएंगे। तब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे तो पहले फंदे को सीधा बना लेंगे। अब देखिए ये जो एक लूप वाला फंदा है, ये वाला, इसके एक इधर और एक इधर, ये तीन फंदे हैं। इस तीन फंदे में इनको मिला के बनाना है। तो इसके पहले हमारे पास दो फंदे हैं तो दो फंदा को सीधा बना लेंगे, एक दो, दो बन गया। अब ये फंदा है इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, एक बार इस फंदे के साथ सीधा बनाएंगे,
और दूसरी बार में फिर इसको लेंगे और इसको नीचे से, दोनों को नीचे से फिर सीधा बना देंगे ऐसा। अब देखिए फिर इनके बीच में हमारे पास एक फंदा बचा है, एक फंदा इसके साथ बनाना है। एक फंदे को सीधा बना लेंगे और एक फंदे को इसके, इस लूप वाले फंदे को इसके पहले के एक फंदे के साथ ऊपर से सीधा बनाएंगे और फिर इसको सलाई पर लेकर इस फंदे के साथ नीचे से फंदा बनाएंगे सीधा। फिर हमारे पास ये एक फंदा बीच में एक्स्ट्रा है, ये इनके साथ का है। एक फंदा सीधा बना लेंगे, इसको इसके साथ बना लेंगे और फिर इसको लेकर इसके साथ बना लेंगे। फिर एक सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को इसके साथ बनाएंगे और इसको फिर इसके साथ बनाएंगे। एक फंदा सीधा, ये लूप वाला फंदा है, एक बार इसके साथ बनाना है फिर नीचे से लेकर इसके साथ बनाना है, ऊपर से पहले वाले फंदे के साथ बनाना है और फिर इसको नीचे से लेकर पीछे वाले फंदे के साथ सीधा बनाना है। अब हमारे पास लास्ट में दो तीन फंदे हैं, तीन फंदे को सीधा सीधा बना लेंगे। देखिए एक डिजाइन बनने के बाद हमारा कलर भी चेंज है। अब फिर पीछे से हम इस डिजाइन को फिर स्टार्ट करेंगे इसी धागे से। एक फंदे को स्लिप कर लेंगे और जैसे पहले बनाया था तीन फंदे का तीन फंदा बनाएंगे, एक ऊन को पीछे ले जाएंगे और फिर एक बार बनाएंगे। देखिए तीन बन गया, फिर तीन फंदे का तीन बनाएंगे, एक ऊन को लपेट लेंगे, तीन। दो तरफ से ऊन लपेट सकते हैं आप, किसी भी तरह से ऊन को लपेटिए। फिर तीन फंदे का तीन फंदा बनाएंगे, एक दो तीन। फिर तीन फंदे का तीन फंदा बनाएंगे, एक दो तीन। फिर तीन फंदे से तीन फंदा, एक दो तीन। फिर तीन फंदे से तीन फंदा, एक दो तीन और लास्ट का एक उल्टा। अब देखिए यहाँ से सीधी तरफ से हमारा यहाँ से कलर फिर चेंज हो जाएगा। पहले फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर इस तीन फंदे को सीधा बना लेंगे, एक दो तीन। फिर ये बीच वाला आ गया, ये यहाँ पर दो धागे छोड़ना है हमें, एक और एक इसके अंदर है दो। फिर यहाँ नीचे से दो बार ऊन रख के सीधा बना लेंगे और फिर इस तीन फंदे को सीधा बनाते जाएंगे। तीन फंदे को सीधा बनाना है और उसके बीच में जो जगह है उसमें से लूप के अंदर सलाई डालकर दो बार धागा लपेटकर यहाँ सीधा बनाना है। इस तरह बनाते जाएंगे तो देखिए हमारा डिजाइन, देखिए दूसरा डिजाइन भी तैयार हो रहा है। तो इस तरह बनाने से जब थोड़ा डिजाइन ज़्यादा बन जाएगा तो बनने के बाद देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। और इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।